हेलो नमस्ते सस्ती का लादा, मैं हूँ एन ओली आदित्य। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज FOLEY, फॉली क्या होता है और ये यूज कहाँ कहाँ होता है। ये मतलब क्लियर करो यार भाई, व्हाट इज फॉली, ये फॉली क्या है। ठीक है, तो फॉली होता है, ये फॉली तो एक एक्चुअली एक इंजीनियर का नाम है, एक जो रिकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट्स जो देते थे पुराने टाइम में मूवीज में, तो उनके नाम पर ही इस पूरी फील्ड का नाम पड़ गया फॉली। और फॉली स्टूडियोज भी हैं काफ़ी। तो क्या है, क्या है फॉली? फॉली जब हम देखते हैं, जैसे कोई मूवी होती है उसमें तीन तरह के साउंड ट्रैक होते हैं, हमारे लेयर्स जो होती हैं तीन तरह की साउंड ट्रैक में होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसमें हमारा बैकग्राउंड जो म्यूजिक होता है, स्कोरिंग वाला पार्ट है, वो सब चल रहा होता है। और सेकेंड जो होता है हमारा, उसमें डायलॉग्स होते हैं, जो डायलॉग्स हम मूवीज़ में ऑन सेट रिकॉर्ड करते हैं या फिर बाद में डबिंग वगैरह करते हैं, तो डायलॉग वाली लेयर होती है। थर्ड जो होता है हमारा बेसिक जो होता है, थर्ड होता है हमारा फॉली। फॉली क्या होता है? साउंड इफेक्ट्स जो हम देते हैं डेली लाइफ की, जो ऑब्जर्वेंट करके, और जैसे साउंड इफेक्ट्स देखा जाए तो पंच वाला साउंड हुआ या फिर स्लैप वाला, क्लैप वाला, एंड और जैसे चलने वाला, डोर खुलने वाला, बैठे हम कहीं सोफा पे, और बारिश वाले साउंड हुए, इस तरह के जो साउंड होते हैं वो बाद में क्रिएट किए जाते हैं फॉली स्टूडियोज के अंदर। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, इनको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है। जैसे बारिश वाला साउंड है तो कुछ गिराकर और कुछ इस तरह के उसमें रिकॉर्ड कर लिया और बारिश वाला साउंड बना लिया। तो ये क्या है, ऑब्जर्व, जितना अच्छी है हमारी ऑब्जर्वमेंट उतना ही अच्छे से हम इसको विजुलाइज कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे। तो ये डिजाइनिंग होती है पूरी ओवरऑल साउंड की। ऑन सेट इसलिए साउंड यूज नहीं करते उस ऑन सेट वाले को, करते भी हैं कई जगह, जरूरत पड़ती है अगर अच्छे से आ जाता है तो, स्टूडियोज के अंदर अगर अच्छे से रिकॉर्ड हो गया तो वो कर सकते हैं उसको, नहीं तो ऑन सेट में नॉइज बहुत ज्यादा आता है, एम्बियंस नॉइज बहुत ज्यादा आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो साउंड काम कर नहीं रहता बिल्कुल भी। ठीक है, उसमें तो हम डायलॉग्स भी अगर अच्छे से नहीं रिकॉर्ड होते तो वापस से डबिंग करते हैं उनकी। और फॉली साउंड एक स्टूडियो में अपने तरीके से क्रिएट किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है डिफरेंट, और बिना फॉली के पिक्चर एकदम हमें बेजान लगेगी और रियल वर्ल्ड से हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ चलने का साउंड हुआ, डिफरेंट शूज हुए, उनके अलग अलग साउंड होते हैं और वो अलग अलग तरीके से क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, हॉर्स राइडिंग वाला जो हॉर्स का साउंड हुआ चलने का, टिक वो वाला, तो वो सब क्रिएट स्टूडियोज़ में किए जाते हैं, और ताकि क्वालिटी जो है उनकी, क्योंकि वो अच्छे माइक से रिकॉर्ड होंगे और एकदम शांत वातावरण में रिकॉर्ड होंगे, तो उनकी क्वालिटी इन्हेंस्ड आती है और एक अच्छे से आती है और बेटर पूरा ओवरऑल ऑडियो हमें मिल पाता है किसी भी मूवी के अंदर। तो इसलिए फॉली यूज़ किया जाता है, और फॉली आप डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, म्यूजिक वीडियोज़ में भी यूज़ कर सकते हो, जिस तरह का है। और अगर आप चाहते हो कि आप फॉली आर्टिस्ट बनो तो बहुत अच्छी एक चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, और मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगता है, क्योंकि इसको क्रिएट करने में बहुत मज़ा आता है लाइफ और रियल लाइफ में, जब ऑब्जर्व करके हम देखते हैं कि यार ये वाली चीज़ तो ऐसे बनती है, तो वो मज़ा आता है। ठीक है, और मूवीज़ में तो करते ही हैं इसका यूज़ फॉली आर्टिस्ट अच्छे से, और उसमें रिकॉर्डिंग इंजीनियर की हेल्प से उनको मिक्स करते हैं उनके लेवल्स के, कौन सा साउंड कितना सुनाई देने वाला। तो यही है फॉली, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।